दरवाजों के अंदर अपनी जो डैम्पिंग है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। कमरे की प्लेसमेंट रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगों के ठीक ऊपर जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। जो आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। जो हेडलाइट यूनिट है इसके अंदर 130 वॉट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है, और इसके सराउंड में आप यहाँ पर देखो डीआर लाइटिंग है वो इंस्टॉल किया गया है। इंडिकेटर के साथ ब्लिंक भी करती है कुछ इस तरीके से। हाई बीम लो विंडो भी काफी अच्छा जो इसका इंप्रेशन है वो आपको देखने को यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रॉपर इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai Venue के बेस मॉडल ई के मॉडिफिकेशन की। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी ब्लैक कलर के साथ काफी अच्छी गाड़ी लग रही है, और ये अपनी आई है डेकोरम का एक्सेसरीज करोड़ बाग में। तो चलिए एक-एक करके आपको दिखाते हैं कि इस वाले बेस वेरिएंट के अंदर कौन कौन सी जो एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल करी जा रही है। सबसे पहला अपडेट आपको दिखाते हैं तो इसका म्यूजिक सिस्टम के अंदर किया जा रहा है। बेस वेरिएंट ई के अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। पीछे की तरफ वायरिंग वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, तो प्रॉपर कपलर के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, और सिस्टम के साथ जो जितना भी अटैचमेंट है वो भी आपको सारा कपलर टू कपलर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम के साथ साथ अपने जो रियर व्यू कैमरा है उसका भी इंस्टॉलेशन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो वायरिंग वगैरह का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है, और जो अपने कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, लोगों के ठीक ऊपर जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है, और इसका भी जो इंस्टॉलेशन है वो कपलर टू कपलर ही रहेगा। साथ ही दोस्तों चारों दरवाजों के अंदर अपनी जो डैम्पिंग है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल लेयर वाली जो डैम्पिंग है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक शीट जो है वो आपको बाहर की तरफ दिख रही है, इस तरीके से एक शीट जो है वो अंदर की तरफ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। स्पीकर्स आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट है, और अपनी यहाँ पे प्रॉपर रिंग के साथ जो है काम कंप्लीट हो चुका है। रियर डोर्स में अपने जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनको लगाया गया है, और अगले डोर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपना जो फ्रंट डोर है उसके ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका, ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट स्पीकर का इंस्टॉलेशन है, और इसके जो ट्यूटर की प्लेसमेंट है वो भी रहने वाली है। अभी ट्यूटर भी दिखाते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको रिमोट सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो भी नहीं मिलती है। अपनी जो आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, और ये अपना कुछ रिमोट आ जाता है कुछ इस तरीके से, इसमें आपको प्रॉपर आरडी की मार्किंग मिल जाती है। 3 साल की डोर स्टेप वारंटी के साथ है। लॉक और लॉक आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं, और ये फ्लिप फंक्शन कुछ इस तरीके का जो इसका वर्क मिलता है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो प्रॉपर आपको प्रीमियम फील आने वाला है इसकी के साथ, तो आप इसका भी इंस्टॉलेशन जो है वो करवा सकते हैं। लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें लाइटिंग का भी अपडेट जो है वो किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, तो अभी डे के टाइम में ही आपको मैं आउटपुट चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो काफी ब्राइट जो है आपको फोकस जो देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी डीआरएल लाइटिंग है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। और डे के टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हो तो प्रॉपर आपको यहाँ पर जो इसकी विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है, बिल्कुल अपर वेरिएंट वाला आपको यहाँ पर फील आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फंक्शन एक्स्ट्रा ये है कि ये इंडिकेटर के ऊपर सिक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पे जो फुल बकेट सीट कवर है उनका इंस्टॉलेशन देखने को आज मिलने वाला है, और अपने जो कंप्लीट फ्लोर है इसके ऊपर यहाँ पे जो अपनी 90 वाली जो फ्लोरिंग है वो इंस्टॉल करी गई है। ये ड्राइवर वाला पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके से आपको कंप्लीट फ्लोर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए तो ये अपने रियर प्रोफाइल में इसका इंस्टॉलेशन है, और अब जो रियर वाली सीट है वो इसके ऊपर आकर के रखी गई आएगी, जिसके बाद ये जो है ना कंप्लीट इसके नीचे आ जाएगा, तो कंप्लीट अपना फ्लोर रहेगा, इस फ्लोरिंग के नीचे जो है वो ढक जाएगा। तो दोस्तों अपनी वेन्यू का जो मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सीरीज इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। तो दोस्तों जैसा कि डे टाइम में मैंने आपको बताया था, इसकी जो हेडलाइट यूनिट है इसके अंदर 130 वॉट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है, और इसके सराउंड में आप यहाँ पर देखो डीआरएल लाइटिंग है वो इंस्टॉल किया गया है। और जो डीआरएल है डुअल पर्पस वाली है, यानी कि जब आप इसको इंडिकेटर पे पुट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये मैंने आपको हैजार्ड लाइट पे इसको पुट कर दिया है। तो यहाँ पे जब आप इसको इंडिकेटर पे पुट करेंगे तो ये सिक्वेंशियल टाइप जो है इंडिकेटर के साथ ब्लिंक भी करती है कुछ इस तरीके से। लुक वाइज काफी अच्छा जो इसका अपील है वो आपको देखने को मिल जाता है इंडिकेटर के साथ, देख सकते हैं किस तरीके का लुक है। थोड़ा सा आपको दूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा आपको इसका जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाता है। तो डीआरएल के ऊपर तो काफी अच्छा ये लगता ही है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें 130 वॉट की जो एलईडी लगाई गई है, रोड पे इसका जो प्रेजेंस है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि शॉर्ट मैंने इससे पहले इस गाड़ी का लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो किस तरीके का आपको इसका जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम में भी काफी अच्छा जो इसका इंप्रेशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस अपडेट को आप करवा सकते हैं। अगर आपको जो इसके हैलोजन बल्ब है वो हल्के लगते हैं तो एलईडी लगवा सकते हैं, और डीआर लगवा सकते हैं थोड़ा लुक वाइज के लिए। बात करें अगर साइड एक्सेसरीज की दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है, सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखाता हूँ रूफ रेल्स वो इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, तो अपनी सिल्वर फिनिश के साथ जिस तरीके से आपको इसके अपर वेरिएंट में कंपनी ऑफर करती है, सेम वही रूफ रेल का जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। नीचे आते हैं तो अपने डोर वाइजर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ये प्रॉपर आपको वेन्यू की मार्किंग के साथ देखने को मिल जाते हैं। क्रोम लाइन भी आता है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो सैटिन सिल्वर फिनिश के साथ ये कम्प्लीट जो लोअर गार्निश है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, ये आप देख सकते हो। इसमें क्रोम वाली भी आती है, तो जो आपकी चॉइस है क्रोम वाली लगवानी है आप क्रोम वाली लगवा सकते हो, सैटिन वाली लगवानी है तो सैटिन वाली भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। नीचे आते हैं तो अपनी जो साइड क्लैडिंग है वो भी इंस्टॉल करी गई है, और ब्लैक कलर की गाड़ी के ऊपर काफी अच्छा जो इसका लुक है वो आता है, सिल्वर के इंसर्ट के साथ है। और पीछे की तरफ आपको जो प्रॉपर वेन्यू की मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है, तो आपको थोड़ा सा
पीछे दिखाता हूँ कंप्लीट साइड प्रोफाइल किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलावा रियर से बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जो शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पियानो ब्लैक यानी कि गाड़ी की जो बॉडी कलर है उसको काफी हद तक मैच करता हुआ ये कंप्लीट जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए। और कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो मैंने आपको रियर में दिखाई दी थी, लोगों के जस्ट ऊपर इसका इंस्टॉलेशन किया गया है। इंटीरियर में चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके का इसका जो लुक है आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर जो एम्बियंट लाइटिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, और एक K3 वाली जो एम्बियंट लाइट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रॉपर इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर, डोर पैनल्स के ऊपर, चारों दरवाजों में आपको जो है ये देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और ये मल्टीपल कलर के साथ आती है, और जिसका कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं फोन एप्लीकेशन से। और आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ग्रीन है, ये अपना ब्लू, ये वाइट जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कलर्स का जो ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी गाड़ी का जो एम्बियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई को कलर बनाना है तो फोन एप्लीकेशन से जो है वो डाउनलोड करने के बाद इसका कलर जो है बना सकते हैं। 64 कलर के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो ये K3 वाली जो एम्बियंस लाइट है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो तो फुल बकेट जो सीट कवर्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ ये भी है, ब्लैक विद अपनी एश अपना व्हाइट कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आपको डायमंड जो डिजाइन है वो देखने को मिलता है, और फुल बकेट जो सीट कवर्स है उनका इंसुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आप को ड्राइवर वाला पोर्शन है वो देख लीजिए। इसी तरीके से जो रियर वाली प्रोफाइल है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जो रियर सीट का जो फिटमेंट है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग है वो की गई है, और 90 वाली जो फ्लोरिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। कहाँ कहाँ पे इतना कितना एरिया कवर करती है वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीट आपको ये कंप्लीट मिल जाता है, ये सारे पैनल जो है वो ढके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है वो गाड़ी के अंदर की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे, पीछे की तरफ से जो सारा पोर्शन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे अपना जितना भी फुटवेयर वाला पार्ट है सारा कुछ आपको कवर मिल जाता है। सीट देखिए यहाँ पे सीट फिट हो चुकी है, और सीट के नीचे तक ये सारा कुछ ये जा रहा है, और काफी अच्छे से जो इसका जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए तो ये निकलने वाला नहीं है, काफी परफेक्ट जो है इसकी फिटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर लगेगा मैट, और इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है कि कोई भी लिक्विड वगैरह गिरता है तो आपको साफ करने में आसानी होगी। कोई भी सिंगल आपको जगह नहीं मिलेगी जो कि बगैर फ्लोरिंग के इसके फ्लोर पे ना हो, तो मिट्टी उट्टी जाने के चांसेस वो नहीं है, और इसको साफ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अपना जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर आपको डुअल टोन की स्टेयरिंग रैप देखने को मिल जाता है। ऊपर देखिए सेम अपना सीट कवर के कॉम्बिनेशन के साथ है, और ये प्रॉपर आप देखें तो OEM स्टाइल आपको देखने को मिलता है फुल स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे रैपिंग वाला जो अपना स्टेयरिंग रैप है वो किया गया है, और इसमें इस तरफ आप देखें तो अपना जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है क्योंकि बेस वेरिएंट है तो ये नहीं आता है, ये इंस्टॉल किया गया है, और ये भी Hyundai Genuine है। आपको दिखा भी देता हूँ तो ये अपना पेयर्ड है, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ तो दोनों ही बटन्स वर्किंग हैं। इसके अलावा मोड वगैरह के जो बटन्स हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप के जो सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ अपना म्यूजिक सिस्टम भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और अपना देख सकते हो किस इस तरीके का है, और इसमें अपना किस तरीके की वर्किंग है ये देखें। तो सबसे पहले टच का रिस्पॉन्स जो कि काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, लैग फ्री है, और इसमें क्या क्या है कई सारे एप्लीकेशंस आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, जैसे कि अपना मैप, प्ले स्टोर है, और यहाँ पे आते हैं तो यूट्यूब है, और जौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पास सारे कुछ ऑप्शंस हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा ये भी इंस्टॉल किया गया है, किस तरीके का इसका आउटपुट है वो आप देख लीजिए। नाइट टाइम में प्रॉपर जो आपकी विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है, और अटेंशन ग्रैब करने वाली यहाँ पे एमएस लाइट वो काफी प्यारी जो है वो लग रही है। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर और डैम्पिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट है, और जो ट्यूटर तो आपका रह गया था ट्यूटर दिखाना, तो ट्यूटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है इसके ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पे ट्यूटर लगा हुआ है, स्पीकर अंदर है, और डैम्पिंग जो है डबल लेयर वाली इसके दरवाजे में करी गई है। तो भाई वेन्यू का सारा मॉडिफिकेशन आपने देख लिया है, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, सर नाम बताइए अपना। हिमांशु ठाकुर। और सर आपका? समीर। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम लोग वैसे अभी गुड़गांव से आ रहे हैं, पर हम लोग एमपी से हैं। एमपी से? हाँ, आपका वीडियो ही देखकर आया था हमने। ठीक है। और जो रिस्पांस और आपने वीडियो में सारी चीज़ें डाला था और जो चीज़ दिखाया था वो आके हमको यहाँ मिला, हम फुल 100% सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम जो चाहते थे वो सारा काम हुआ, और हमारे प्राइस रेंज के अंडर में, हमारा जो बजट था उसके अंडर में हमको वो सारी चीज़ मिली। मिल गई। तो कहीं कुछ कमी लगी हो आपको फिनिशिंग फिटमेंट के अंदर? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा काम किया भैया लोगों ने, और थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके थ्रू हमने वीडियो देखा और यहाँ आया, और आपका भी अच्छा सपोर्ट मिला, दुकान जितने भैया हैं सब लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने से हमारा काम
बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है भैया, आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। नंबरिंग दिक्कत नहीं हो, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 ही लो यार, और कोई चीज़ की कमी नहीं है, बहुत फुली सेटिस्फाइड। और नंबरिंग के अलावा अगर आपसे पेमेंट पूछी जाए, कितनी पेमेंट कर दी आपने? देखो भैया, हमने तो ऐसे बजट आए थे 50 का लेके, ठीक है 50 के अंदर हम सब कराएंगे, बट हमारी ये जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमारा एडिशनल हुआ तो हमने 60,000 काम किया, बट वो वर्थ इट है। 60,000 रुपये आपने जितना प्राइस से और सारे चीज़ जो क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हमको सारी मिली। तो इन फ्यूचर कभी आपने आना हो या किसी को रिकमेंड करना हो तो करना चाहिए? जरूर भाई, जरूर करेंगे और दोबारा हम जरूर आएंगे, और आपका वीडियो के थ्रू हम लोगों को भी बताएंगे कि ये देखो ये वीडियो है और आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।